ये व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं हिटमैन 2। अब आप सभी लोग को पता हो गया, लास्ट वाले एपिसोड में एजेंट 47 गया था अमेरिका के एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस में, जहां पर हमें दो लोग को मारना था, तो हमने दोनों लोग को मार दिया था। फिलहाल अभी एजेंट 47 आया हुआ है पेरिस में, और ये वाला जो वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि यहां पर एक बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही बड़ा फैशन शो चल रहा है। अब जिसको नहीं पता फैशन शो क्या होता है, मतलब कि नए नए जो मॉडल्स होते हैं अपना न्यू कॉस्ट्यूम्स पहन कर आते हैं और स्टेज पे कैटवॉक करते हैं अपना कॉस्ट्यूम शो करने के लिए, तो कुछ उस टाइप का शो चल रहा है, आपने मूवीज वगैरह में शायद देखा होगा। तो यहां पर आज हमें दो लोग को मारना है, पहला है विक्टर नोविका और दूसरी है डालिया मार्गोलिस। अब यहां पर ये दोनों लोग ना लोगों की नजरों में तो बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी टाइप हैं, बट यार बैकग्राउंड में मतलब ये ना बहुत ही बड़े एक टाइप से बहुत ज्यादा पावरफुल मैन है। तो ये दोनों लोग ना बहुत ही बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब प्लांटिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, और इनके पास ना काफी सारे सीक्रेट्स भी हैं, तो इनके ये सब चीज मिटाने के लिए हमें इन्हें मारना पड़ेगा, इसीलिए आज हम यहां पर आए हैं। तो यहां पर अभी फिलहाल देखते हैं चल क्या, काफी ब्यूटीफुल प्लेस है, और यहाँ पर ना हमारी एंट्री एज अ सिक्योरिटी गार्ड हो गई है, रेड कार्पेट एंट्री हुई है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये लेडीज, ओके, तो ये शायद से न्यूज रिपोर्टर है या फिर शायद से फैशन ब्लॉगर है, जो भी हो। अभी फिलहाल अंदर चल के देखते हैं क्या सीन है, काफी ब्यूटीफुल जगह यार है पेरिस की। और सामने आप जो बंदा देख पा रहे हो ना, थोड़ा बहुत अपने जैसा दिख रहा है, तो शायद इससे कोई ना कोई हमारा लेना देना तो जरूर होगा। चलो अंदर चलते हैं, फिलहाल यहाँ पर फुल फोटोशूट वगैरह चल रहा है, कैमरे ही कैमरे फ्लैश ही फ्लैश नजर आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर यार काफी ज्यादा आलीशान जगह, और ऊपर भाई गोल्डन, भाई साहब गोल्डन झूमर लटके हुए हैं, नाइस। ओके, तो सामने से ये जो बंदा आ रहा है ये है विक्टर नोविका, तो इसी को हमें मारना है। आज ये हमारा पहला टारगेट ये है, दूसरी टारगेट है डालिया मार्गोलिस, तो देखते हैं इन दोनों को कैसे मारेंगे। अभी फिलहाल देख रहे हो यार कितनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है, मतलब कि यार बातचीत तो है बंदे में। अब यहाँ पर इसे मैं मारूंगा कैसे वो मुझे देखना पड़ेगा, तो मैं चाहूँ तो इसको यहीं के यहीं मार दूँ, लेकिन यार ये जो इसके इतने सारे फैंस खड़े हैं, और दूसरी चीज़ इसका एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा ना यहीं इस रेड कारपेट पे लेटाएंगे, और इतना खून निकालेंगे कि पता भी नहीं चलेगा कारपेट रेड था या फिर खून रेड था। ओके, तो गाइस अभी मैं ना इसके एकदम पीछे पीछे जा रहा हूँ, जहाँ पर ये जाएगा उसी के पीछे पीछे जाते रहूँ, देखते हैं क्या पता कोई ना कोई क्ल्यू मिल जाए। अबे यार कुछ भी हो जाए ना, मैं इसको यहाँ पर किसी भी कीमत पे नहीं मार सकता यार, मतलब कि बंदे नहीं है, बहुत सारे बंदे। ओके, ये साउंड किस चीज़ का है। ओके, तो अब हो गया पार्टी शुरू, भाई साहब ऐसे पार्टी नहीं है, यहाँ पर ये जो शो है वो स्टार्ट हो चुका है, मतलब सामने से देख पा रहे हो भाई साहब मॉडल्स आना शुरू हो गए हैं, तो ये कैटवॉक करता हुआ सामने से एक लेडीज और आ रही है, तो यहाँ पर अब म्यूजिक बजा, अब आएगी बातचीत। लो भाई म्यूजिक की वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ा दी गई है। अब यहाँ पर मैं अंदर जा सकता हूँ ना, अरे यार ये मना कर रहा है। ओके, तो अंदर चल कह रहा है, अच्छा अंदर वो हो रहा है ना, मतलब कि मेकअप टाइप हो रहा है सभी मॉडल्स का, तो यहाँ से एंट्री लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ। अरे भाई साहब यहाँ पर सामने एक बंदा खड़ा हुआ है, ओके तो ये मेकअप आर्टिस्ट है, एक मिनट इधर आओ भाई साहब, इधर आओ, फोन पे बाद में बात करना, फोन पे बाद में बात करना, पहले अपनी शक्ल दिखाओ। चलो इसकी गर्दन यहाँ पर मैंने मोड़ दिया है, फटाफट से इसकी ड्रेस लेके हम इसकी जगह ले लेते हैं। अब इसको मैं एक काम करता हूँ ना, इसकी बॉडी छुपा देता हूँ। ओ भाई यहाँ तलवारें वलवारें पड़ी है भाई, तलवारों का क्या सीन है भाई, हर चीज़ तो समझ आ गई लेकिन तलवारों का क्या सीन है इस जगह पर, मेरे को वो नहीं समझ आया अभी तक। फिलहाल इसकी बॉडी को मैं यहाँ पर अंदर डंप कर देता हूँ, तो अभी हम लोग यहाँ पर एक मेकअप आर्टिस्ट के रूप ले चुके हैं। अब यहाँ से एग्जिट की तरह, ओके तो ये रहा, यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, और यहाँ पर काफ़ी सारे मॉडल जो है रेडी हो रहे हैं। ओके, तो सबका मतलब मेकअप चले, और हमें भी किसी का मेकअप वेकअप तो नहीं करना पड़ेगा, तो मुझे ना कोई बंदा ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो अभी मैं समझ गया, जिसकी शक्ल हमारे जैसी थी ना उसको हमें ढूंढना है। तो यार जो अपना टारगेट है ना वो भी यहीं कहीं घूम रहा है। ओके, तो वो देखो मतलब सामने की तरफ में जा रहा है, बट यार यहाँ पर ना बंदे बहुत सारे, तो हमें छू तक नहीं सकते इस टाइम पर, इसको मारने की तो बात ही दूर है। ओके, तो इसको मेरे पे शक हो रहा है, अरे भाई जा रहा हूँ, मेरे पे शक तो मत कर कम से कम। अब यहाँ पर यार कोई ना कोई तो काम की चीज़ मेरे को ढूंढनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आगे की तरफ में क्या चीज़ है, वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है क्या, नहीं नहीं पीछे तो नहीं आ रहा। अब यहाँ पर सामने की तरफ भाई कितना आलीशान जगह है ना। ओके, तो सामने की तरफ में भी एक सीढ़ी जा रही है, इधर भी एक सीढ़ी, ओ बाहर हेलीकॉप्टर खड़ा है, वाओ। ओके, तो यहाँ, ओ भाई वो तो गंजा वही है, ओ गाइस मेरे को वो वाला बंदा मिल गया जिसकी शक्ल हमारे से मिलती जुलती है, और उसके ऊपर डॉट का साइन बनकर आ रहा है, यानी कि वो मैं पहचान सकता है यार। रुक जाओ, ओ भाई, अरे नहीं नहीं अंकल, वैसे ही मैं बैठा था, मेरे पैर दर्द हो रहे थे ना। ओके भाई, ये कह रहा है कि यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम, ये हरकतें क्या चल रही है। ओके, तो ये जो बंदा है इसको तो फिलहाल मैंने ढूंढ लिया, और ये इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड क्यों घूम रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर फिलहाल ना इसका अकेले का सोलो फोटोशूट चल रहा है, अब जैसे इसका फोटोशूट खत्म होगा ना मेरे को इसकी जगह लेनी पड़ेगी। ओके भाई साहब, ये हेलीकॉप्टर एक तो मेरे को बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, लेकिन मैं इसको मारूंगा कैसे वो देखना पड़ेगा। तो इसका फोटोशूट शायद से खत्म हो गया, और इसको किसी का कॉल आया। ओके, तो ये पीछे की तरफ में जा रहा है, चलकर देखते हैं। ओके, तो काश मैं इस फोटोशूट वाले की जगह ले सकता, तो मैं इसका फोटोशूट लेता और वहीं इसका भूत बना देते। ओके, तो अभी यार ये मेरे पे शक कर सकता है, कभी भी ये मेरे को पहचानता है।
तो यार मुझे अभी तक नहीं समझ आ रहा ये बंदा जाना कहाँ को जाता है। मेरे हिसाब से यहाँ से राइट मुड़ेगा, ओके तो यहाँ पर ना राइट चला गया। अब मैं समझ गया कि ना ये कोने में जा रहा है एकदम शांति वाली जगह में, और वहाँ पर जाकर ना ये किसी से बात करने वाला है, तो मैंने इसकी बात सुननी पड़ेगी, फिर इसको मैं ना मार दूंगा। ओके तो अगर मैं इसको मार दूंगा ना मेरे को इसकी जगह मिल जाएगी, और फिर देखते हैं आगे क्या क्ल्यू हमें मिल सकता है इसके थ्रू। तो यहाँ पर ये किसी से ना बात कर रहा है, इसकी बातें सुन लेते हैं खड़े होकर चुपचाप से, बस कोई हमें देखे ना और किसी को ना शक ना हो। ओके तो यहाँ पर ओके तो यहाँ पर इसने डालिया को ही फोन लगाया, जो कि अपनी सेकंड टारगेट है। ओके तो गाइस अभी मेरे को एक चीज़ पता चल गया, इस बंदे ने फोन पे बात करी और इसने फोन लगाया था डालिया को। तो इस बंदे का नाम है हेलमेट क्रूगर। अब यहाँ पर ये ना उसका फ्रेंड है, मतलब कि जो अपनी डालिया मार्गोलिस है ना, जो कि अपनी सेकंड टारगेट है, उसका फ्रेंड है। तो हमें ना पहले इसकी जगह लेनी है और फिर डालिया मार्गोलिस को कॉल लगानी है मिलने के लिए, और जब हम उससे मिलेंगे तो मैं वहीं पर डालिया मार्गोलिस को मार दूंगा। लेकिन हम इसकी जगह लेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पर ना काफ़ी सारे सिक्योरिटी गार्ड हैं और एक सिक्योरिटी गार्ड तो यहीं पर पास में खड़ा हुआ है। अब फिलहाल मेरे को इसको मारने के लिए पास कुछ भी नहीं है, एक पिस्टल है यार। नहीं 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 पिस्टल से मारूंगा तो यार दिक्कत हो जाएगी, कोई ना कोई सामान वामान पड़ा हो यार, कुछ चाकू वाकू पड़ा हो तो मैं इसे फेंक के मार दूँ। और नीचे की तरफ में ये तो शायद से बंद होंगे डोर। तो यार काफ़ी कुछ ढूंढ लिया यार मेरे को, अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। और मेरे को अब ऐसा लग रहा है ना कि मुझे उसे पिस्टल से ही मारना पड़ेगा, यानी कि उसे मारना नहीं है, हमें उसे ठोकना पड़ेगा, जो कि यार बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि यार यहाँ पर ना काफ़ी सारे सिक्योरिटी गार्ड है और गड़बड़ तो होनी है यार, मेरे को ऐसा लग रहा है। ओके तो मैं सोच रहा हूँ कि जब यहाँ से सारे सिक्योरिटी गार्ड थोड़ा बहुत इधर उधर चले जाएंगे ना, तो मैं काम करता हूँ फाइबर वायर लूँगा और जाके उसका सीधा गला घोट दूंगा। ओके तो यहाँ पर भी मेरे को लग रहा है सिक्योरिटी गार्ड एक तो यार यहीं पर घूम रहा है, इसको भगाना है बस, उधर वाला तो मेरे को कुछ भी नहीं कहेगा। इस सिक्योरिटी गार्ड को अगर मैं भगाऊंगा ना तो अपना सारा का सारा काम एकदम डन हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ इसी को मार दूँ, आगे वाले को भी मार दूँगा तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। पहले अगर हम सिक्योरिटी गार्ड को ही मार देंगे तो एक मिनट रुक जाओ, अगर मैं इसको पीठ ही पीछे निपटा दूँ, एक मिनट रुको 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 रुको, इधर आ तेरी भैंस की साले, निकल 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 निकल। इसको तो खैर मैंने लपेट दिया, इसको साइड करते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसको तो पूरा का पूरा लपेट दिया है, इसको यहीं पर मैं छोड़ता हूँ। अब इसको भी मार देता हूँ लग यहाँ, इधर आ तेरी ऐसी की तैसी, ओए तेरी भैंस की टांग, हमसे छोड़ना होगा। मैं आराम से काम कर रहा था ना, फटाफट दे अब तू अपना फोन। मेरे को पहले इसके ना कपड़े लेने पड़ेंगे, फटाफट से मैंने इसके कपड़े ले लिए। अब एक काम करता हूँ ना, इसकी जो इसका फोन भी लेना है ना मैं, ओके तो फोन तो मैंने ले लिया, इसकी बॉडी को ना मैं पानी में डालता हूँ, ताकि अब सबको ये लगे कि जो हेलमेट क्रूगर है ना वो मैं हूँ। तो यानी जो रियल बंदा था उसको हमने गायब कर दिया, और इस टाइम हेलमेट क्रूगर हम बन चुके हैं। और यहाँ पर ना हमें कोई भी गन वगैरह नहीं रखनी, क्योंकि हम इस टाइम यहाँ के बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी हो चुके हैं, सेलिब्रिटी के पास गन नहीं होती। तो यहाँ पर अभी हमें डालिया मार्गोलिस को फोन लगाना है। ओके तो यहाँ पर मैंने उसे फोन लगा दिया, और देखते हैं क्या बात करता है उससे। तो अभी मेरे हिसाब से ना ये डालिया मार्गोलिस को मिलने के लिए बुलाएगा। अबे फोन क्यों नहीं उठा रही? ओके ओके उठा लिया। तो यहाँ पर हमारा नाम है हेलमेट। ओके तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी बैठा हुआ है सेकंड फ्लोर, चलो ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमें सबसे पहले ना सेकंड फ्लोर पर जाना है, वहां पर हमें उससे मिलने के लिए बुलाया, मतलब कि ना इनकी कोई प्लानिंग चल रही है ना, जो मतलब बॉम प्लांटिंग से रिलेटेड उसी की शायद से कोई डिस्कशन होगी। फटाफट चलते हैं ऊपर की तरफ, और यहाँ पर क्राइम नोटिस हो चुका है, यानी कि बॉडी उसकी फाउंड हो गई है। अभी ना किसी को ये नहीं पता चला कि उसे मारा किसने था, क्योंकि वहां पर कैमरे वाला, ओ भाई इतनी तेज म्यूजिक चल रहा है, अरे पागल होगा भाई। तो भी सबसे पहले हमें आगे की तरफ जाना है, और देखते हैं यहाँ पर हमें करना क्या है। तो शायद से ना हमें सबसे पहले उस बंदे से ही बात करनी पड़ेगी। ओके तो यहाँ पर हमें सबसे पहले अपना मेकअप करवाना है। ओके हाँ, क्योंकि आपने देखा होगा ना उसकी आईब्रो के मतलब आई के नीचे, और यहाँ पर ना पूरा ब्लैक ब्लैक सी शेडिंग हो रखी थी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपना मेकअप करवा लेते हैं। ओके हेलो भाई, मेकअप कर दो जी। ओके तो यहाँ पर अभी हमारा मेकअप करेगा। तो गाइस मेकअप होने के बाद तो हमारा जो फेस है पूरा का पूरा हेलमेट की तरह हो चुका है। अब इसके बाद हमें मिलने जाना है डालिया से, और जैसे ही मिलने जाएंगे वैसे उसको मार देंगे। बस मुझे देखना है कि उसके आसपास सिक्योरिटी है कि नहीं, बाकी तो ना वो हम पे विश्वास करती है, मतलब कि एजेंट 47 पे नहीं हेलमेट पे विश्वास करती है, तो शायद से सिक्योरिटी गार्ड को भी हटा ही देगी जहां तक मुझे लग रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं यार, चल कर देखते हैं क्या सीन होता है। तो यहां पर अभी इसका मेकअप तो बहुत तगड़ा हो चुका है, तो चलो यार यहां से निकलते हैं। चलो गाइस जैसा कि मैं चाहता था सब कुछ एकदम वैसे ही चल रहा है। और यहाँ पर अभी हमें सबसे पहले शायद से स्टेज पे जाना पड़ेगा कैटवॉक के लिए। ओके चलो यार स्टेज पे चलते हैं, मतलब जो अपना काम है ना पहले कंप्लीट कर लेते हैं फिर चलेंगे डालिया के पास। ओके तो ये आ गया अपना स्टेज। सारे मेरे को लाइन से जाना पड़ेगा क्या? ओके तो यहाँ पर लाइन लगी हुई यार, बिल्कुल मैं आगे जा सकता हूँ ना? किसका नंबर है भाई? अबे चलो यार आगे, शर्मा रहे हो भाई साहब तुम तो, इधर आओ मैं जाता हूँ। चलो तो यहाँ पर हमारा जो ओ गाइस क्लैपिंग्स देख सकते हो आप, गाइस क्लैपिंग मतलब तालियों के साथ हमारा स्वागत हो रहा है। मतलब भाई सबसे बड़ा लग रहा है सेलिब्रिटी यही था यहाँ का। और भाई लुक देखो तुम अपने, बिल्कुल वैसी बना दी हेलमेट टाइप। ओके तो भाई यहाँ पर बहुत ही तगड़ा सीन है, सारे बंदे हैरान हो गए हैं, इतना तगड़ा स्टार हमारे आगे आगे खड़ा हो गया। चलो तो यहाँ पर अभी हमारा जो है मेन फालतू वालतू का जो भी काम था वो हो चुका है। अभी फटाफट हमें जाना है मार्गोलिस के पास। क्यों जाना है? मीटअप मार्गोलिस, चल कर देखते क्या सीन। अरे बस करो यार, हो गया तुम्हारा। चलो फटाफट चलते हैं, मैं मार्गोलिस के पास क्यों जाना है मेरे को लग रहा है शायद से कुछ बात करनी होगी, और मार्गोलिस ऊपर वाले फ्लोर पे। चलो चलते हैं।
और यहाँ पर ऊपर की सीढ़ियाँ बाहर से थी ना शायद, हाँ यहाँ से एक सीढ़ियों का रास्ता तो मैंने देखा था। ओके तो यहाँ पर ये सारी सीढ़ियाँ मैं जा सकता हूँ ना। ओके ओके, ये लोग तो उल्टा तारीफ कर रहे हैं भाई, ये लोग तो तारीफ कर रहे हैं भाई, मतलब ये लोग भी मतलब इनकी नज़र में बहुत ही बड़े सुपर स्टार है ना। ओके तो यहाँ से भी एक सीढ़ी हो रहा है ये भी। ओके भाई सारे लोग कह रहे हैं हाउ आर यू क्रूगर, मतलब इसका नाम है ना हेलमेट क्रूगर। ओके तो यहाँ पर भी अभी हम एंट्री ले सकते हैं ना, चलो यहाँ पर भी हमारी एंट्री हो गई है। ओके तो वो कहाँ पर है बे, मेरे को तो दिख ही नहीं डालिया। एक सेकंड, जो ये नहीं डालिया भाई, इसी को हमें मारना है, लेकिन हम इसको मारेंगे कैसे? और यहाँ पर एक लीथल पॉइजन पिल जा। ओके तो मैं ना पहले सारे के सारे गेट बंद करता हूँ भाई, ये बहुत ज्यादा रिच पर्सन है अभी। और बाहर कौन खड़ा है एक बारी देख ले। ओह गाइस बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं। अभी तो मेरे को कोई दिक्कत की बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन जब मैं इसे मारूंगा ना तब बहुत ज्यादा डरने की बात है। ओके तो यहाँ पर मैं इसे मारूंगा कैसे मेरे को समझ ही नहीं आ रहा यार। एक एलमीरा तो है, पहले मेरे को ना इसको बैठ के इससे बात करनी पड़ेगी शायद से कुछ। ओके तो क्या बात है बताओ। तो यार यहाँ पर अभी हमने इससे बात तो कर ली, और ये ना जेसिका के बारे में बात कर रही थी, लेकिन यार अभी ना हमें कोई फालतू क्लू ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना ये रूम में अकेली है। और यहाँ पर अगर मैं इसे मार दूंगा तो शायद किसी को भी पता नहीं चलने वाला। और यहाँ पर ना ये कहाँ जा रही है? ओके तो ये शायद किसी से फोन पर बात करने वाली है। और यहाँ पर जो ओके तो ये पॉइजन पड़ी, और पीछे ग्लास पड़ा है इसके शैंपियन का। अगर इसके शैंपियन के ग्लास में पॉइजन मिला दूँ तो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा? ओके तो यहाँ पर फिलहाल मैंने पॉइजन तो मिला दिया है, लेकिन अब ये ग्लास पिएगी कैसे यार शैंपियन का? वो तो दिक्कत की बात है, सोचना पड़ेगा। लेकिन यार ये आराम से यहाँ पर फोन पे बात कर रही है, इधर आ, ज्यादा दिमाग लगाइए हैं बे, इसका सीधा हम गला ही घोड़ देंगे। चलो भाई यहाँ पर हमने इसको तो फिलहाल निपटा दिया। चलो तो वैसे मैंने ना थोड़े गलत तरीके से निपटाया, मतलब मैंने इसे ऐसे माना था कि इसको भी ना पता चले, बट यहाँ पर अभी वैसे किसी को पता नहीं चला है। बहुत ही आराम से यहाँ पर हमने जो मेन हेड थी डालिया मार्गोलिस, जिसके कंट्रोल में सारे के सारे बंदे थे, उसको हमने निपटा दिया है। अब फटाफट यहाँ से हम बाहर निकलते हैं, मतलब कि अभी किसी भी सिक्योरिटी गार्ड को मेरे हिसाब से पता तो नहीं चला। ओके तो यहाँ पर अभी भी काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए। लेफ्ट में ये रूम कहाँ पर जा रहा है? ओ भाई यहाँ तो आगे गन्स रखी हुई हैं और इतनी सारी एमो रखी हुई है भाई। इस रूम के अंदर हमारी एंट्रेंस, ओ तेरी, हम इस रूम के अंदर एक्सेस नहीं है, अगर मैं जाऊँगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो यार अभी हमें इस रूम में एंटर करने के लिए ना एक सिक्योरिटी गार्ड का ड्रेस चाहिए होगा, लेकिन यार वो कैसे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर तीन चार सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं। अगर मैं इनमें से किसी एक को भी मारूंगा ना तो यार सबको शक हो जाएगा मेरे ऊपर। और यहाँ पर अंदर की तरफ में एक रूम जा रहा है, और यहाँ पर एक लेडीज खड़ी है और अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है। चलो सही है, अगर यहाँ पर मैं पहले लेडीज को मारूंगा तो सिक्योरिटी गार्ड को पता चल जाएगा, और अगर मैं पहले सिक्योरिटी गार्ड को मारूंगा तो लेडीज सबको बता देगी। यार क्या करना चाहिए मुझे, लेडीज वैसे भी किसी चीज को लेकर कंफ्यूज है। अगर मैं उस लेडीज को यहाँ से बाहर कैसे भगा सकता हूँ यार, कुछ भी क्ल्यू अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। और ये वाला भी जो डोर है ना बंद है। ओके ओ भाई 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 इसको मेरे पे शक हो रहा है। मैं जा रहा हूँ मेरे को मारना मत। ओके तो ये दोनों फिलहाल अभी उस वाले एरिया में जा चुके हैं। अब यहाँ पर कैसे करूँ यार, इनको कैसे मारूँ? ये लेडीज जो है सामने चली गई, और यही टाइम है इसका मुंह तोड़ने का। चुप साले, और इसको भी नीचे फेंक दूंगा उठा के। निकल 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 निकल, मैम पिटी आपको, अब गई, किस्मत खराब थी आपकी। चलो इसको उठा के नीचे ही फेंक देता हूँ। एक काम करता हूँ, इधर आओ, नीचे नीचे चलो नीचे, यहाँ पर आपका कोई भी काम नहीं है। चलो गाइस इसका तो हमने यहाँ पर कलेश खत्म कर दिया। अब फटाफट से हमें एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहननी है, और इसको भी मैं नीचे ही फेंक दूंगा जहाँ तक मेरा ज़्यादा बेटर आइडिया रहेगा। सिक्योरिटी गार्ड की मैंने ड्रेस पहन ली, और यहाँ पर ना जिस लेडीज को मैंने नीचे फेंका था उसकी बॉडी फाउंड हो गई है, इसको भी फेंक देते हैं, इसकी भी बॉडी फाउंड कर लो, हमें अभी इससे कोई भी मतलब नहीं है। चलो गाइस अभी यहाँ पर हमें सिक्योरिटी गार्ड बन चुके हैं, तो यानी कि हम गन भी उठा सकते हैं तगड़ी सी। क्यों तो यहाँ पर अब हो चुका है सारा तगड़ा सेटअप। और यहाँ पर एक लैपटॉप पड़ा है, तो लैपटॉप में शायद से पासवर्ड वासवर्ड लगा हुआ, चेक कर लेते हैं। तो किसका लैपटॉप है पहले तो ये पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यार वही है, पासवर्ड लगा हुआ मेरे को लग ही रहा था। तो यहाँ पर अभी मेरे को उस लेडीज से ही वो पासवर्ड पता चल सकता था, लेकिन मेरे को उसे मारना पड़ा। अब यहाँ पर अब हम इस रूम के अंदर एंटर हो सकते हैं। चलो अब लेकिन इस रूम के अंदर हमें मेन क्या है, गन्स काफी सारी पड़ी है, इधर की तरफ में एमो पड़ी है जो कि अपने पास हो गई है काफी सारी। अब यहाँ पर सामने की तरफ में कुछ बंदे बैठ के बात कर रहे हैं, तो मुझे ना एकदम चुपचाप उनके पास तक पहुंचना पड़ेगा। और इस बंदे को मेरे पे शक हो रहा है, शिट 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 शिट, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए गाइस। फटाफट से आगे निकलता हूँ भाई, वरना बहुत ज्यादा गड़बड़ जाएगी। सामने खड़े होकर दो लोग बात कर रहे हैं, चलकर उनकी ना बातें सुनते हैं। और यहाँ पर ना एक हैमर पड़ा हुआ है भाई, फेंक के मारूंगा सीधा, खोपड़ी ढेर हो जाएगी। तो यहाँ पर यार ये लोग तो भी फिलहाल कुछ बातें करना इन्होंने शुरू कर दी है। यहाँ पर ये क्या बातें कर रहे हैं, कोई बहुत कम साउंड आ रहा है, बहुत ही कम साउंड आ रहा है, लेकिन बातें तो सुननी पड़ेगी। तो चलो गाइस फिलहाल यहाँ पर अभी हमें क्ल्यू तो मिल चुका है, मतलब कि एक सैटो नाम का बंदा है जिसे हमें अपने रास्ते से हटाना है। तो हम जितनी शांति से इस एरिया में एंटर हुए थे ना, उतनी शांति से यहाँ से निकलना अभी है, मतलब कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ओके तो यहाँ पर मैं किधर को जाऊँगा सबसे पहले मुझे देखना है। सामने की तरफ में निकलता है, सामने की तरफ में दो सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, पहले इनको जाने देंगे फिर ही यहाँ से एग्जिट करेंगे। और यहाँ पर एक पॉइजन पड़ा हुआ है, और ये इधर को मत आइए प्लीज़, शैंपेन पी ली ना अपना, निकल यहाँ से।
निकल जा ओके, तो ये पीछे की तरफ में चला गया, यानी कि अब मैं इधर से एग्जिट हो सकता हूँ। और यहाँ पर सामने की तरफ में एक बंदा खड़ा हुआ है, ओके, तो यहाँ पर अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो लाइट ही चले जाएगी ना, यहाँ की अंधेरा हो जाना चाहिए भाई, एकदम मस्त हो जाएगा एकदम। अबे अंधेरा कहीं और हो गया उल्टा, तो यही टाइम है मैं पीछे से निकल लूँ। और यहाँ पर एक बंदे ने मेरे को देख लिया, शिट यार, जो मैं नहीं चाहता हमेशा वही क्यों होता है, बट जो भी है, हम लोग यहाँ से एग्जिट हो चुके हैं। मेरे को नीचे वाले फ्लोर से निकल लेना फटाफट से, पीछे वाले एक बंदे को मेरे ऊपर शक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार मेरे हिसाब से, मैं जा रहा हूँ, प्लीज़ 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 मारना मत पीठ पीछे, ओके। तो गाइस फिलहाल अभी यहाँ से हम एग्जिट हो चुके हैं, और यहाँ पर अभी ना कोई भी एक प्रॉपर एग्जिट नहीं है जो कि हमें एकदम ही अलग करा दें सिक्योरिटी गार्ड वगैरह से। और यहाँ पर ना काफ़ी सामान पड़े हैं जो कि फेंक के मारने में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, चलो इस सामान को भी उठा लेते हैं। तो गाइस ये है नीचे की सीढ़ियाँ, मेरे को मिल गई भाई, इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन ओके, तो ये जा रही नीचे की तरफ में सीढ़ी, और यहाँ पर मैं जा सकता हूँ ना यहाँ से, ओके, तो यहाँ से अभी मैं नीचे आ चुका हूँ। और मेरे को सैटो को रास्ते से हटाना है यार, पता नहीं कौन है सैटो, मैंने तो अभी तक कोई भी सैटो नाम का बंदा देखा नहीं। तो ओके गाइस यहाँ पर अभी भी मोटर्स जो है रेडी हो के जा रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर जो शो है अभी तक खत्म नहीं हुआ, और यही है वो सैटो नाम का बंदा। तो यहाँ पर ना मेरे आइडिया तो तुरंत आता दिमाग में, काम करते हैं इस चीज़ को ना पहले यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ, अब सैटो इस चीज़ को सुन लेगा मेरे हिसाब से। तो सैटो को पता चला कि वहां पर कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस हुई है, अबे इस लड़की ने सुन लिया, अबे पगलेट यहाँ क्या करने आई है यार, सैटो को आने देती ना, लो भिखारी एक रुपए का सिक्का लेगी मेरा, अबे यार शिट यार। तो मेरे पास ना अभी के लास्ट ऑब्जेक्ट है, इसको भी मैं इधर फेंक कर देख लेता हूँ, अगर इस बार सैटो आ गया ना तो अपने मजे आ जाएंगे। तो हाँ यार, इस बार सैटो ने आवाज़ तो सुनी है, लेकिन इस बार दोबारा से उस लड़की ने भी आवाज़ सुन ली है। अब देखते हो गाइस पीछे सैटो आ गया, सैटो अपने पीछे आया देखने, और यही टाइम है कि सैटो को मैं मार दूँ। सैटो जी, सैटो ब्रो पीछे आओ, पीछे निकल, बंदों ने देख लिया, शिट, मेरे को फटाफट से ना पहले इसको ना इसकी बॉडी में अंदर डंप करता हूँ, चलो अंदर इसकी मैं बॉडी, लेकिन उससे पहले मेरे को ड्रेस लेनी पड़ेगी यार, मैंने ड्रेस नहीं उठाई, उसकी बॉडी डंप कर दी यार, काश कपड़े मेरे को उसके मिल जाते पहले, और मेरे को भी अब इसके अंदर ही घुसना पड़ेगा जल्दी, चलो भाई ये क्या गड़बड़ कर दी मैंने, मेन तो मेरे को ना सैटो को रास्ते से हटाना था ना, चलो सैटो, ओ अरे सिक्योरिटी गार्ड जी कहाँ से आ गए आप, मैं मुंह तोड़ डालूंगा, निकलो यहाँ से, कपड़े दो, अब आप भी कपड़े दो, मतलब कि आपको समझ नहीं आ रहा, फटाफट यहाँ से निकलते हैं, अभी हमने पूरा का पूरा भेस बदल लिया है, और मेरे हिसाब से अभी हमारे बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। और यहाँ पर ये क्या मशीन है, इसको चला दो ना, किस काम की है, चलाओ जो भी है, क्या पता, ओह ये तो शीशा ही तोड़ दिया, ओके। तो यहाँ पर अभी हम बहुत ही तगड़े सिक्योरिटी गार्ड बन चुके हैं, वो ये अपना टारगेट नीचे भाग रहा है कहीं को, कोई दिक्कत नहीं बेटा, तू पिटेगा हमसे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ से हमें आगे जाना है, और यहाँ पर काफ़ी सारे कॉस्ट्यूम्स रखे हुए हैं, और जितने भी ट्रक हैं सारे के सारे आ रखे हैं, और यहाँ पर हम अपनी गन बाहर कर लेते हैं, वरना कोई भी पुलिस वाला आया तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे अभी हम इस टाइम खुद ही एक सिक्योरिटी गार्ड हैं, तो अभी मेरे को ना और आगे जाना है, इसके अंदर नहीं जाना। तो यहाँ पर ये क्या सीन है, ओके, तो गाइस इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करनी है। यहाँ पर एक रेंच पड़ा है, ओके, तो यहाँ पर एक क्रोबार पड़ा है, अच्छा, मैं सीन समझ गया। तो वो जो ऊपर लटका नहीं रखा है इन्होंने सारे की सारी, जिससे डेकोरेशन हो रखी है, तो क्रोबार के थ्रू हम उसे शायद से तोड़ सकते हैं। अब बस हमें यहाँ से ऊपर जाना, और एक बंदे को मेरे पीछे की तरफ में, एक बंदे को मेरे ऊपर शक हो रहा है, लेकिन बेटा तेरा शक तेरी जेब में धरा रह जाएगा जब तुम्हारी, जिसकी सिक्योरिटी के लिए तुम सब आए हो ना, अब बस वो मरने वाला है, टेंशन मत करो। यहाँ पर आप ऊपर जितना भी डेकोरेशन का सामान देख पा रहे हो ना, एक तो म्यूजिक इतना तेज है, बाहर चल के बताता हूँ, तो ये जो जितना भी ऊपर LEDs लटकी हुई है ना, ओके, तो अपना टारगेट अकेला घूम रहा है, भाई इसका सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है, चलो यार, लेकिन यार इतनी सारी सिक्योरिटी ऐसे मार भी तो नहीं सकते, ये आ गया इसका सिक्योरिटी गार्ड, ओए भाई इसको शक हो रहा है मेरे पे, एक मिनट मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा, वेट, चलो अभी थोड़ा मामला ठंडा है। तो यहाँ पर ना मैं उसको बहुत ही इजीली मार सकता हूँ, इस टाइम वो ना स्टेज पर जा चुका है, और मुझे ऊपर जाके जितना भी डेकोरेशन का सामान है उसकी रस्सी काट देनी है, ताकि जितनी भी LED लटकी हुई है लाइट वाली, वो सारी की सारी नीचे गिर जाए, और उसी के मतलब कि वहीं पर लगे हाथ ये बंदा भी मारा जाए, विक्टर नोवाकोव। अब यहाँ पर हम ऊपर कहाँ से जाएंगे, मुझे वो रास्ता ढूंढना पड़ेगा, तो ऊपर जाने का रास्ता, तो गाइस मुझे ऊपर की सीढ़ियां मिल चुकी है, और मैं तो सिक्योरिटी, ओके, अबे यार ये लोग मेरे को नहीं जाने दे रहे, शिट यार, मेरे को इनकी वाली सिक्योरिटी ड्रेस ही होगी, जो मेरी सिक्योरिटी है ना वो इस बिल्डिंग के बाहर वाली है, तो मेरे को ना किसी अकेले को ढूंढना जो कि एकदम अकेला खड़ा हो कहीं पर, और जिसे मैं मारूं तो किसी को शक भी ना। और यहां पर एक बाथरूम है, हो गया सारा का सारा काम डन। तो यहां पर गाइस अभी मैंने ना नल ऑन कर दिया, अब यहां पर पानी निकलना शुरू हो गया, और यहां पर एक बंदे ने सुन लिया, ये क्या हो गया, गड़बड़ कर दी मैंने, शिट, आ जाओ जिसके अंदर था मैं, आ जाओ तुम्हारी भैंस की टांग, मेरे को अब सिक्योरिटी गार्ड को मारना ही पड़ेगा भाई, गड़बड़ कर दी मैंने, शिट यार, अब जल्दी से एक सिक्योरिटी गार्ड ना मेरे रूम के अंदर आ जाए भाई, अभी ये लोग कहाँ जा रहे हैं, और सामने से एक हाथ हो रहा है, ओके, तो वो अपना बालकोनी में गया, मुझे ना उसको मार के ड्रेस चेंज करनी पड़ेगी, अबे नल बंद करने आओ, ओके, तो सामने की तरफ में आ गए हैं, एक ही बंदा घुस जाए अंदर, अबे इसको पता है मेरे बारे में, इसको मेरे बारे में पूरा पता है, अंदर मत आइयो, मौत से मिला दूंगा, निकल यहाँ से, चलो अभी सबको मेरे ऊपर शक हो गया है, जो चीज़ मैं नहीं चाहता था वही हुई,
ओके तो यहाँ पर अभी सामने से एक सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, बस मेरे को एक सिक्योरिटी गार्ड अंदर आ जाए बस। तो यहाँ पर मैंने ना गोली चला के सब लोग को अलर्ट कर दिया है। अब ये लोग मेरे हिसाब से ना फटाफट अंदर आएंगे और वैसे ही मैं इन्हें मार दूंगा। अंदर आ जाओ भाई जल्दी से, मतलब कि आप देख पा रहे हो भाई किस तरीके से घूम रहे हैं लोग सारे के सारे, और यहाँ पर कोई भी अकेला नहीं है भाई, ये बात तो है माननी पड़ेगी। फटाफट से ना सामने वाले रूम में चलता हूँ, मेरे को लग रहा है सामने वाले रूम में एक अकेला बॉडी गार्ड है। निकल तेरी भैंस की टांग, फटाफट से इसके कपड़े ले लेता हूँ। भाई यहाँ पर और आ गए, तू भी निकल यार, ये चीज़ नहीं चाह भाई, चल यहाँ से चल। चलो फटाफट इसकी ड्रेस उठाते हैं और अपना सारा का सारा काम एकदम डन हो जाएगा। फटाफट से गन अंदर रख के यहाँ से निकले, तो मेरे को भी नोटिस कर लिया। शिट यार, कपड़े बदलते हुए भी नोटिस कर लिया गया। निकल यहाँ से। ओके 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 यार, यही चीज नहीं चाहता था, वही हुई। ओ भाई इतना खतरनाक सीन, भागो 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 यार, इतना खतरनाक कैसे हो गया भाई? ऊपर जाना था, वैसे ऊपर जाने के लिए इतनी गड़बड़ हुई है। मैं अब जा सकता हूँ ना, मेरे को मारना मत। ओ सर ओके ओके, ये अब हम ऊपर एक्सेस कर गए हैं गाइस, ये हुई ना बात इसी के साथ यहाँ पर। अब अभी हम हमारे ऊपर किसी को भी शक नहीं है। अब फटाफट मैं तो यही भूल गया मैं ऊपर आया क्या करने था। हाँ तो हम ऊपर इसलिए आए थे ताकि हम उस जगह पर जा पाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे को बालकोनी वाला एरिया ढूंढना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी तो मैं डालिया के रूम में आ चुका हूँ, और यहाँ पर ये है डालिया के रूम का बाथरूम। ओके तो गाइस ये वो जगह है जहाँ से हमें ऊपर जाना है। ओ गाइस पहुँच गए भाई, इतनी लड़ाई करने के बाद, इतनी जैसे तैसे करके, कुछ भी करके, मतलब जो भी हमने करा हम, लेकिन अभी फिलहाल ऊपर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर भी मैं लटक लटक के आगे की तरफ जा रहा हूँ। तो यही वो एरिया है जहाँ पर हमें सारी की सारी LEDs को नीचे गिराना है। अब यहाँ पर हम ऊपर कैसे चढ़ सकते हैं, एक सेकंड ऊपर। ओके तो गाइज यहाँ पर मैं ऊपर चढ़ चुका हूँ, मेरे को अपना क्रोबार निकालना पड़ेगा, उस जगह को काट देना, लेकिन अभी नहीं काटना। तो गाइज आप देख पा रहे हो हमारा जो टारगेट है ना वहीं पर नीचे की तरफ में कहीं घूम रहा है। अब जैसे ही वो इस स्टेज पर आएगा ना, वैसे ही हमें ये जो आप देख पा रहे हो, मतलब कि जिससे सारी की सारी LEDs लटकी हुई है, हमें रेंच के थ्रू ना इसको काट देना है ऐसे। अभी मैं ऐसे काट के दिखाने नहीं वाला, तो बस हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर जाके इसे कट करना है, और जितनी भी LEDs हैं वो सारी की सारी नीचे गिरेगी और हमारा टारगेट वहीं पर मर जाएगा। फिलहाल जो हमारा टारगेट है ना वो यहाँ पर भाग कर आ रहा है, वैसे भाग कर नहीं आ रहा, चल कर आ रहा है। तो गाइस आप देख पा रहे हो क्लैपिंग वगैरह होने लगी है, यानी कि अब जो हमारा मेन टारगेट था विक्टर नोवाकोव वो यहाँ पर आ चुका है, और यही टाइम है इसको काटने का। लो गाइस यहाँ पर मैंने इसे काट दिया। ओ भाई गया, ओ यार इतने सारे बंदे भी मारे गए, ये मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। शिट यार, लेकिन जो हमारा टारगेट था वो बहुत ही बुरी तरह मारा गया है। अब फटाफट हमें यहाँ से एग्जिट करना है, मैं अपनी गन निकाल लूँ। अब मुझे तो नहीं लगता कि किसी को भी हमारे ऊपर शक होने वाला है। अब फटाफट यहाँ से मैं निकलूँगा कैसे, लेकिन नीचे मेरे को ना क्लाइम डाउन करना पड़ेगा। ओके तो गाइस अभी सब कुछ हो चुका है, अब फटाफट यहाँ से निकल लेते हो। भाई जो भी हो बहुत ही बुरी तरह मारा है, मतलब क्या नीचे देख पा रहे हो पूरा का पूरा एरिया खाली हो गया, सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड नजर आ रहे हैं, और किसी को कुछ पता भी नहीं चला है कैसे हुआ क्यों हुआ। बाकी अब सब सोचेंगे कि जिसने डेकोरेशन करी थी मेन ये उसकी गलती है, उसने ढीली तार बांधी होगी। फटाफट यहाँ से निकल लेते हैं, चलो गाइस। ओके तो यहाँ पर अभी हमारा जो एजेंट है फटाफट से नीचे उतर गया। अब मेरे को ना बहुत सारे बंदों के ना गोलियां चमकानी पड़ेगी, फटाफट से मैं निकल लेता हूँ, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चलो चलो ये वाला डोर खुलेगा क्या, ये डोर लॉक है। शिट 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 शिट, भागो भागो भागो। वैसे मेरे पास ना क्रोबार था, मैं उसे खोल सकता था, और यहाँ पर जितने भी सिक्योरिटी वाले वो मेरे को मारे ना, वो सामने हर बंदे को मेरे ऊपर शक हो रहा है। लेकिन यार यहाँ पर ना अभी मैक्सिमम बंदे को नहीं पता चला, सिर्फ जो ऊपर वाले फ्लोर पे बॉडी गार्ड थे ना उनको हमारे बारे में पता चल गया। चलो गाइस तो इसी के साथ एजेंट 47 अब मुंह बंद कर चल, चलो बाय गाइस, बाय 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 बाय। ओए ओए भागो 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 भाई, मेरे को लगा मार देंगे भाई। तो गाइस इसी के साथ यहाँ पर हमने इन दोनों को लोग को भी मार के यहाँ से हम निकल चुके हैं। तो गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट वीडियो को जाकर लाइक कर देना, चैनल पे न्यू तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा है जल्दी दबा दो। और हाँ यार इस वीडियो पर एम करते हैं ओनली 80,000 लाइक के लिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग कंप्लीट कर दोगे। और हाँ यार सबसे बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप चाहते हो कि मैं कोई न्यू गेम खेलूँ, न्यू गेम ट्राई करूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन करके बता सकते हो। तो यार आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।